لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, इससे पहले हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की मिलाद का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया इस आयत के अंदर। किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को इस दुनिया के अंदर पैदा किया। उनके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, उनके माँ बाप की हड्डियाँ सूख चुकी थी। जो ज़ाहरी अलामत थे बच्चे पैदा होने के, वो सारी अलामतें ख़त्म हो जाने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हज़रत यहया जैसे औलाद से नवाजा। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शाह फरमाता है या यहया खुदिल किताब बिकुवा, कि ए यहया, या यहया में या हरफ निदा है, मुनादा कौन है? यहया। या यहया खुदिल किताब, खुद ये फ़ेल अमर है, अखदा या अखदू का, अखदा या अखदू का, तो खुदिल किताबा, यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहा है हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को कि ए यहया किताब को पकड़ लो, बिकुवतिन किसके साथ? मजबूती के साथ। किसके साथ? मजबूती के साथ। तो यहाँ किताब से क्या मुराद है? किताब से मुफस्सरीन कहते हैं यहाँ पर जिस किताब को पकड़ने का हुक्म हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया था वो किताब थी तौरात। वो कौन सी किताब थी? तौरात। ऐ या यहया खुदिल किताब बिकुवतिन, ऐ अरबी में कहेंगे या यहया इमसिकिल किताब बिजद्दिन व इज्तिहादिन। और इसको यहाँ जो कहा गया है खुदिल किताबा, किताब को मजबूती के साथ पकड़ने के लिए, तो यहाँ पर क्या हाथ से पकड़ना मुराद है? खुदिल किताबा यानी किताब को आप पकड़ लें, किताब को ले लें, इससे क्या मुराद है? इसका माना ये है कि ऐ यहया तुम तौरात के अल्फाज को याद करो, तौरात को याद करो, उसके अल्फाज और मानी को समझो और उसके मुताबिक अमल करो, और उसके मुताबिक अमल करो। तो यहाँ जो किताब को पकड़ना कहा गया है उससे मुराद हाथ से पकड़ना नहीं है, बल्कि क्या है उसका मुराद है कि आप उसकी तलावत करें, आप उसको याद करें, उसके मानी को समझें, उसके तफसीर को समझें और उसके मुताबिक क्या करें? अमल करें। ये मुराद है यहाँ पर फुज़िल किताबा से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे कहता है वो आतैनाहुल हुक्मा सबिया, और हमने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को हुक्म दी, हिकमत दी। सबिया, इस सबियन क्या है? यह हाल वाक़ है। सबियन क्या है? यह हाल वाक़ है। व आतैनाहुल हुक्मा सबिया, इस हाल में कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम बच्चे थे। तो आइए देखते हैं अलहुक्म से मुराद क्या है या हिकमत से क्या मुराद है। हिकमत से मुफस्सरीन कहते हैं, यहाँ मुफस्सरीन के यहाँ कई अक़वाल हैं। बाद लोग हिकमत से मुराद दानाई कहते हैं, बाद लोग फहम कहते हैं, बाद लोग शऊर कहते हैं, बाद लोग नबूवत कहते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? इख्तलाफ़ तनव्वु हैं, इख्तलाफ़ तज़ाद नहीं है, जो कि तफसीर के अंदर कुरान के मतलब बहुत सारे अल्फाज के अंदर आप इख्तलाफ़ तनव्वु देखेंगे। कुरान के अंदर इख्तलाफ़ तज़ाद नहीं है, यानी आप कोई भी मुराद लें सब सही है, चाहे वो दानाई मुराद लें, चाहे वो फहम मुराद लें, चाहे वो शऊर मुराद लें, चाहे वो नबूवत मुराद लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वो नबूवत अता फरमाई। वो हुआ सबीयन, नहीं वो हुआ सगीरुन, वो हुआ सगीरुस्सिन्नी, कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम क्या थे? अभी छोटे थे, बचपन ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको फहम, दानाई, शुऊर, हुस्नुल फहम और नबूवत अता फरमाई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे इरशाद फरमाता है वहनानम मिन लदुन्ना व ज़कातन
वकान तकिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हनान का अत्फ कहाँ पर है, जो वा हनान से पहले वाव दाखिल है, ये वाव अत्फा है, इसका अत्फ कहाँ पर है, आतीना पे है। किस पे है, वातीना अलहुक्मा, और हुक्म के बाद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको हुक्म हिकमत शऊर फहम नबूवत फरमाई उसी पर अत्फ करके का क्या कहा गया है, वो हनान अई आतीनाहु हनान, कि हमने उनको हनान, हनान से मुराद क्या है, महब्बत है, हनान से मुराद क्या है, शफ़क़त है, हनान से मुराद क्या है, रहमत है। अई वह हनान अई आतीनाहु हनान, कि हमने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को रहमत शफ़क़त और महब्बत दी, अता की, मिन लदुन्ना, कहाँ से अता की, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ये रहमत ये शफ़क़त ये मेहरबानी ये महब्बत मेरी तरफ से है। व ज़कातन, और ज़कात के लोगों माने क्या है, ज़क्का युज़क्की तज़कियतन, ज़क्का युज़क्की तज़कियतन मतलब क्या, तत्हीर करना, पाक करना, क्या होता है, पाक करना। तो माल में से जो ज़कात निकाला जाता है उसको ज़कात क्यों कहते हैं, क्योंकि माल का वो कचड़ा होता है उसको निकाल करके माल को पाक किया जाता है। तो यहाँ ज़कात के लोग ही माने हैं, व ज़कातन मिन लदुन हनानन मिन लदुन व ज़कातन, और ये वाव भी आतफा है उसी हनान पे। उसके बाद कहते हैं व ज़कातन, और हमने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को क्या अता फरमाई, पाकीज़गी अता फरमाई फरमाई, ऐ तहारतन मिन ज़ुनूबी, कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को मुबर्रा मुनज़्ज़ा गुनाहों से पाक किया। वकाना तकिया, और तकिया क्या है, ये काना की खबर है, इसका इस्म कहाँ है, हुआ ज़मीर है, काना में हुआ ज़मीर है जो कि यहया की तरफ लौटता, यानी वकान यहया तकिया, और यहया अलैहिस्सलाम क्या थे, मुत्तकी बंदे थे। मुत्तकी किसे कहते हैं, तकवा किसे कहते हैं, तकवा के लोग भी माने होते हैं अलविकाया के, यानी बचने के, बचाव के, और शरअन या इस्तिलाहन कहते हैं अंतज अल बैनका व बैन अज़ाबिल्लाही अल विक़ाया बि इम्तिसाल अवामिरही व इज्तिनाब नवाहीही, कि तुम अपने दरमियान और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब के दरमियान एक हायल, एक हाजिस चीज़, एक पर्दा बनाओ। कैसे, वो पर्दा कैसे बनेगा, वो हायल या वो दीवार या वो हाजिस कैसे बनेगा, बि इम्तिसाल अवामिरही, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अवामिर की पाबंदी करते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया है उसको करते हुए, और जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है उनसे दूर रह करके। वकाना तकिया, और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम क्या थे, मुत्तकी थे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे इरशाद फरमाता है वबर्रम बिवालिदैही, और हज़रत ईसा हज़रत यहया अलैहिस्सलाम क्या थे, वबर्रन ऐ मुतीअन मुतीअन, बर्रन ऐ मुतीअन, कि मुती और फरमा बरदार थे बिवालिदैही, किसके, अपने वालिदैन के, अपने माँ बाप के, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के, और इस तरीके से अपनी माँ अशा के। वलम यकुन जब्बारन आसिया, और अशा बिन फाकूद बिन मैल के, और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अपने बाप ज़करिया और अपनी माँ अशा बिन फाकूद बिन मैल के क्या थे, मोती और फरमा बरदार थे। वलम यकुन जब्बारन, और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम बदबख्त सख्त दिल मुतकब्बिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत से एराज करने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत से रुगर्दानी करने वाला नहीं थे, और इसी तरीके से ना ही अपने वालिदैन की इताअत से एराज और रुगर्दानी वाले करने वाले थे। लम यकुन जब्बारन आसिया, और ना ही नाफरमान थे, ना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमान थे और ना ही अपने वालिदैन के नाफरमान थे। वसलाम अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअथु हय्या, और उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की सलामत नाजिल हो और उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत नाजिल हो। यौम वुलिदा, कब, जब वो, या नाजिल हुई जब वो पैदा किए गए, यौम वुलिदा जब हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पैदा
पैदा किए गए तो उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी ख़ास रहमत, अपनी ख़ास शफकत, अपनी ख़ास मेहरबानी को नाजिल किया, उन पर रखा। वयौम यमूतु, और इसी तरीके से उस दिन जिस दिन हजरत यहया अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई, उस दिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यहया पर अपनी ख़ास सलामती नाजिल फरमाई। वयौम युबअसु हय्या, और इसी तरीके से जिस दिन हजरत यहया अलैहिस्सलाम ज़िंदा किए जाएंगे, बाद बादल मौत होगा, वो उठाए जाएंगे, मैदान महशर में जमा किए जाएंगे, उस दिन भी उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख़ास रहमत और शफकत और सलामती और मेहरबानी होगी। तो यहाँ पर तीन मकाम का जो जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है, और रहमत के रहमत नाजिल की तीन मकाम पर, तो इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो तीन मकाम है बहुत अहम मकाम है। इस वक्त इंसान को रहमत की, शफकत की, सलामती की अशद ज़रूरत होती है, क्योंकि जब यौम उलिदा, जब बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, तो उस वक्त चाहे माँ को, चाहे जो बच्चा हुआ औरत पैदा हो रहा है, उसके लिए जच्चा बच्चा दोनों को एक बहुत ही रहमत की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक सिचुएशन होता है, बहुत ही नाजुक हालत होती है। उस वक्त दोनों को बहुत ही अशद रहमत, शफकत, मेहरबानी की ज़रूरत होती है। और जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान क्या करता है, शैतान कचोका लगाता है, शैतान अपने पैर से मारता है, अपने हाथ से हमला करता है। तो उस वक्त जच्चा बच्चा दोनों को, बेटे जो वलद पैदा हो रहा है, जो औलाद आ रही है, उसको भी और उसके माँ को भी, दोनों को बस बहुत ही अशद रहमत, शफकत और सलामती की ज़रूरत होती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यौम उलिदा का, यानी जब पैदा किए गए, जब वो दुनिया के अंदर आए, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर अपनी रहमत को नाज़िल फरमाई। और उसके बाद वयौम यमूतु, और जब बंदा मरता है, जब बंदा की मरता है, जब उसकी वफ़ात का करीब आता है, और ख़ास करके जो जितना ज़्यादा नेक होगा, उसकी रूह उतनी ही सख्ती से निकाली जाएगी, उसको उसके रूह के निकालने के वक्त उतनी ही ज़्यादा उसको परेशानी होती थी। जैसा कि हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के वक्त अगर किसी को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई तो मैं हूँ। यानी अम्बिया कराम को बहुत ज़्यादा रूह जब फरिश्ते निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और यहाँ तो इस वक्त भी इंसान को रहमत की, सलामती की ज़रूरत होती है। और वो आखिरी जो वक्त होता है, आखिरी जो सिचुएशन होता है, वो आपकी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लम्हा होता है। क्योंकि अगर उस वक्त आप ईमान पर कायम नहीं रहे, ईमान पर दायम नहीं रहे, तो आपकी पूरी ज़िंदगी का कराया सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उस वक्त रहमत की और शफकत की बहुत ही, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सलामती की बहुत ही अशद ज़रूरत होती है। वयौम युबअथु हय्या, और इसी तरीके से तीसरा वक्त कौन है, जब बंदे दुनिया क्या नाम है क़यामत के बाद दोबारा हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, लोग खड़े होंगे, अपने कब्रों से निकलेंगे, मैदान महशर की तरफ भागते हुए जाएंगे, उस वक्त भी काफ़ी परेशानी की हालत होगी। सूरज एकदम सर के करीब होगा, हर कोई परेशान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह, कि उस दिन ऐसी हालत होगी, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अबीह, कि यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अबीह, कि आदमी अपने भाई से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व उम्मी यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह, कि और बंदा अपने माँ बाप से भी भागेगा और अपने बीवी से भी दूर भागेगा। तो उस वक्त बहुत ही सख्ती और परेशानी की हालत होगी। तो उस वक्त भी इंसान को बहुत ही ज़्यादा क्या नाम है रहमत और सलामती की ज़रूरत है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तीन मकामात का ज़िक्र किया। और आज का दर्स बस इतना ही, इसी पर इक्तफा करते हैं। और इंशाअल्लाह अगले दर्स में जो लोग यहाँ वसलाम अलैहि व मौलिदा से ईद मिलादुन्नबी की क्या नाम है दलील पकड़ते हैं, उस पर रद्द पढ़ेंगे। व
सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।